इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्बत के लोकल रेडियो स्टेशन में, एफएम रेडियो है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कितना क्रू है, कैसे काम करते हैं। आ जाए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे मुझे सब खवातीन नजर आ रही हैं। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल, कैसे आना हुआ यहाँ पे अचानक? देखने आए हैं कि तुर्बत में कैसा है सब, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक बराबर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जबरदस्त, एंजॉय बहुत कर रहे हैं। आपको देख के खुशी हो रही। आप क्या क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? हम यहाँ से ऑनियर, अभी तक ऑनियर जा रहे थे मगर आप लोगों के आने की खुशी में थोड़ा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आप प्रोग्राम करती हैं? जी हाँ, हम प्रोग्राम करते हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि हम लोग ये समझते हैं कि जो बलोची ख़वातीन हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती, पढ़ती लिखती नहीं हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, मगर आजकल के जो ख़वातीन हैं जो घर से निकलते हैं जाते हैं, वो तुर्बत यूनिवर्सिटी की वजह से ना, तो बहुत ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, जब से डॉक्टर मालिक ने ये तुर्बत यूनिवर्सिटी जो खोला है ना, सब के सब बाहर हैं और वो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए जो भी वो उसका दिल चाहता है, उसकी ख्वाहिशात होती है, वो बाहर भी निकल जाते हैं। बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अभी जो बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे ख़ासतौर पर हम तुर्बत में भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप कोई सहूलियत काफ़ी लगती हैं या आप चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए आपके शहर में? कुछ और भी होना चाहिए। मसलन क्या क्या? मसलन के कुछ जो बाहर मतलब हो रहे हैं, बाकी बहुत से चीज़ें हैं और जो न्यूज़ वगैरह में काम करते हैं और बाहर पढ़ाई के अलावा जो भी बाकी काम हैं ख़वातीन को भी करना चाहिए। यानी कि आप चाहती हैं कि जैसे जॉब बाकी बड़े हाँ बाकी भी बड़े शहरों में यहाँ भी हों और ख़वातीन को भी करनी चाहिए। तो आपके घर वाले तो ये नहीं कहते आप जाते हो रेडियो में काम करते? नहीं, खुश होते हैं? खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और हमें सुनते भी हैं। सुनते भी हाँ, वो इंतज़ार करते हैं हमारे टाइम के कि कब आपका टाइम और हम आपको सुनते हैं। ज़बरदस्ती है। आप देखें कि इनका ये कहना है कि बाकी फील्ड्स भी यहाँ पर उतनी ही ओपन होनी चाहिए जितनी कि बाकी पाकिस्तान के शहरों में है। ये इतनी पुरजोश ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं तो ये काम करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि TV स्टेशंस भी यहाँ होने चाहिए ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ें। तो आप बताएँ आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? मेरा तो अभी यही पेशा है कि मैं जो सुनो FM 96 में अभी प्रोग्राम करती हूँ। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ अपने काम से, अपने पेशन से, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप चाहें कि किसी टेलीविज़न स्टेशन में काम करना है तो घर वाले क्या मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। हाँ बिल्कुल। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही हैं और माशाल्लाह से इतनी कॉन्फिडेंट हैं, इतने अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी को आगे लेके चल रही हैं ऐसे शहर में जहाँ पर सहूलियात वैसी नहीं है। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कमी है यहाँ पर सहूलियात की, तो हुकूमत को यहाँ पर भी तवज्जो देनी चाहिए, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ें। और आपको मालूम है कि 51% से ज़्यादा हैं पाकिस्तानी ख़वातीन, तो जिस तरह से बाकी पूरे शहरों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शोबाए ज़िंदगी में वो नुमाया काम कर रही हैं, नुमाया किरदार सर अंजाम दे रही हैं, उसी तरह ये ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं है। हमने आपको एक अमली मुशाहिदा दिखा दिया। तो आई होप एंड प्रे कि बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर तुर्बत के हालात भी अच्छे हों ताकि हम और ज़्यादा ऐसी मिसालें देखें जो दुनिया भर में मशहूर हो सकें।